अच्छा जी, अभी शादी वाले घर आ गए हैं हम। ठीक है, बारात भी आई हुई है, ये देखें गाड़ी। शुभान अभी जो गंदम है ना उसको साफ कर रही है। ठीक है, हो गए हैं साफ दाने। हाँ जी, अब हो गए साफ। इसको देखें, लाट लगी हुई थी। ठीक है, तो हमने कहा कि इसका वो जो होता है ना जानवरों के लिए डाला करो। हाँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप साहब? मितिया सभी खैर खरीत से होंगे, अलग फजल करम से अलहमदिल्ला। अलहमदिल्ला हम भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से आज हवा चली हुई है, मैंने कहा चलो ये गंदम भी पहले साफ़ कर लूँ। तो अभी हमने शादी पर भी जाना है, जो सामने वाले घर में शादी है। तो कल मेहंदी पर गए थे, आज हमने कहा कि इनकी शादी है, समझ बारात भी होगी और वलीमा भी एक साथ होगा। तो फिर हमने कहा कि घर का काम जो है वो माशाल्लाह से हमने ख़त्म कर लिया। बस ये गंदम साफ़ करनी थी, तो ये भी मैंने अभी कर लिया है, समझ ले। तो उमर को मैंने नहला के ना उसको चेंज करवा लिया कपड़े, वो तैयार है, वो अपने अबू के साथ जाएगा। उस्मान अभी इधर खेल रहा है, जो पंखा पड़ा हुआ था, ठीक है, वो प्याले और कुप वाला आया हुआ था तो उसको दिया है। ठीक है, प्याले और कुप लिए हैं। ऐसा ना सामान क्या हो गया था? सामान पंखा टूट गया, टूट गया पंखा। अब क्या होगा? क्या कहना सुन? पंखा कौन सा? लम्मा। अच्छा, गर्मियों में ऐसे ना ऐसे उस्मान कहता था कि पंखा ना दो। मैंने कहा पंखा चलता नहीं है तो टूटा हुआ था, तो चलो प्याले तो मिलते हैं ऐसे ना। तो दे वो ये। हाँ, जानवर की जगह वगैरह साफ कर रही है, गोबर को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जो बचा है, तो बाकी बाहर ना डाल दिया है। ठीक है, और बकरियों को भी छाँव में बांध दिया है, कुछ बाहर बांध दिए, और जानवरों को भी अंदर छाँव में बांध दिया पानी पिलाकर, और चारा काट कर रख दिया है। ये काम भी ठीक है हो गया है, और मुर्गियां जो हैं हमारी माशाल्लाह से कुछ ठीक हो गई हैं। ठीक है, एक मुर्गी बीमार है थोड़ी सी, और मुर्गा ठीक हो गया। आप देखें आज माशाल्लाह से चल फिर ठीक रहा है। एक तो मुर्गा ज़िबा किया था, बाकी एक मुर्गा बचा हुआ है, और एक मुर्गी भी ख़त्म हो गई थी, बाकी मुर्गियां तकरीबन ठीक हैं। तो माशाल्लाह से मैं तैयार हो चुकी हूँ, कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं। आज मैंने सफेद कलर का सूट पहना हुआ है, अभी जूते मैंने चेंज नहीं किए, जूते बाद में चेंज करूँगी। और तैयार भी मैंने अपनी मुकम्मल कर ली है, तो बच्चे को भी तैयार करते हैं। तो अब सब ने बताना है कि मुझे ये सफेद जोड़ा जो है कैसा लग रहा है। उन दोनों का काम चेक कर, वो लड़ रहे हैं। ओए उमर इधर आओ, कपड़े गंदे कर दोगे, उसको पहनाया नहीं है उमर को कपड़े। उमर को अभी दूसरे कपड़े पहनाती चेंज करवाती हूं उस्मान को भी। ओए क्या है? हाँ, आज शादी पर नहीं जाना? शादी पर नहीं जाना? कब? अभी जाएंगे। इधर दांत दिखाओ, निकल रहे हैं दांत इधर। आपको तो आ गए हैं ना, आपको तो ठीक है। उस्मान ये कैसा है, ऊपर क्या रखा हुआ है? डंडा ऐसे कहते बकरी का ना, वो किला बनाना ऐसे। चलो कपड़े चेंज करो, शादी पर जाएं। हाँ हाँ, रोटी भी खाएंगे, बोटी होगी, मजे हैं, चावल होंगे। अच्छा, वो तो कल खाए थे, आज नहीं खाने? आज भी खाएंगे। हाँ होने खास हूँ, वो कल की बात कर रहे ना, वो कहते कल तो खाए थे, कल मेहंदी पर गए तो बंदे भी होते हैं। हाँ ऐसे कहते हैं कि साथ ही शादी है, पता इतना चलता है इसको। चलो फिर चले हैं, देर हो जाएगी। वो नजर लगी होगी आपको? नजर नहीं लगी, बस ऐसे ना चावल वगैरह खाते रहते हैं ना, तो इसलिए। हाँ आप चावल फिर ज्यादा खाते हैं, ये फ्रिज में रख देती है, ये खाती रहती है। पहले तो गर्मियाँ थी, अब सर्दी है ना, तो फिर ऐसे होते है तबीयत। अच्छा जी, अभी शादी वाले घर आ गए हैं हम। ठीक है, बारात भी आई हुई है, ये देखें गाड़ी। इमरान भाई भी साथ हैं। ठीक है, शादी खाने है ना, दूल्हे की गाड़ी देखें जी सजी हुई, ये चेक करें। इधर जी रोटी का प्रोग्राम है, अभी ना रात का टाइम हो गया है। उस्मान ने मोबाइल लिया हुआ है, कार्टून देख रहा है ऐसे। हाँ जी, क्या है अब? अच्छा ये लो।
अभी दूध उबैल हो रहा है, तो दूध उबैल हो जाए तो ठंडा करके फिर उस्मान को देंगे, क्योंकि वो सारा दिन सोया नहीं है, तो अभी उसको नींद आई हो, कहते मैंने सोना है, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आप उबैल देखे, मैं दूध उबैल कर लेती हूं, इसलिए उसको दिया है। हाँ, इसलिए वैसे और आप इस टाइम ना आधा घंटा उबैल हर रोज देता है। नहीं, इसने कहा कि कहीं सो ना जाए वो। हाँ जी, फिर आपने जल्दी करना था ना, क्योंकि शादी पर गए हुए थे। फिर शादी से आए ना, तो फिर मेरी थोड़ी तबियत खराब हो गई है, तो फिर बकरे को चारा वगैरह डाला है, तो ऐसे ऐसे काम काज करते रहे, तो फिर अभी मैंने कहा चलो दूध पैर कर लेते हैं। चाय चाय बनानी है, चाय थोड़ी देर करना फिर बनाएंगे, क्योंकि अभी दिल नहीं है चाय पीने का। अच्छा, अभी तो वो दिल कर रहा है कि आप एक बोतल ले आए, बोतल ऐसे इमरान भाई बोतल बोतल ले आए, बोतल दुकान बंद हुई तो फिर नहीं नहीं दुकान खुली है, मैं भी आ रहा हूँ देख के। चलो फिर जाता हूँ। अच्छा, इमरान भाई भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको बोतल भी पिलाते हैं, बोतल लगानी है कि ना, सर्दियों के मौसम है ना, बोतल नहीं पी। अच्छा, सर्दियों की मौसम है, बोतल पियो ना, बोतल लगवा लो ड्रिप जैसे कहते हैं। सर्दियों में बोतल नहीं लगवाते, गर्मियों में लगवाते हैं। चलो, मैंने गला खराब हो जाए, मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आप दे जाओ। ठीक है जी। अच्छा जी, खर्चा करवाना है ऐसे ना, लाजमी लेनी है। चलो जी, अभी लेकर आते हैं। कौन सी लेकर आए? चलो आप दूध बैल करो, मैं भी आ रहा हूँ फिर। अभी ना मैं गया था दुकान पर, ठीक है, बोतल लेनी थी, तो दुकान वाला नहीं था, तो इमरान भी कह रहा था कि मैं आया हूँ तो दुकान वाला बैठा हुआ था, लेकिन मैं गया हूँ तो दुकान वो बंद कर कर घर चला गया, क्योंकि रात के टाइम इतने ना दुकान वाले बैठते नहीं हैं, तो खाली हाथ आ गया हूँ, तो फिर ना चाय बना लेते हैं। वैसे मेरा तो दिल नहीं था बोतल पीने का, थोड़ी देर पहले पी है शबाना ने भी, और इमरान भाई कह रहा था तो फिर लेने तो गए हैं, लेकिन मिली नहीं है। ठीक है, अभी फिर चाय बनवाते हैं शबाना से, चाय पीते हैं। अच्छा जी, इमरान भाई चावल को लगा हुआ है, ठीक है, काल वाले चावल बचे हुए हैं, शबाना जी गरम गरम कर दिए हैं। यार दुकान बंद थी, मैं गया हूँ दुकान बंद थी, तो चाय पी के देखो क्या। चावल पड़े थे वो गरम किए हैं, वो भी खा रहे हैं, साथ में चाय भी बना के पी रहे हैं। अच्छा, शबाना भी चाय बना रही है, दूध बैल करके मैंने निकाल। आपको कैसे पता था कि बोतल नहीं मिली, चाय बना रही हो? मुझे पता था दुकान बंद होती है, मैंने बोतल ले आता तो फिर चाय और बोतल, फिर बोतल रख लेते, बाद में पी लेते, चाय पी लेते। चलो जी, अभी चाय बना रहे हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दूध इधर कम पड़ा हुआ है, दूसरा इधर पड़ा हुआ है। आज दिन को पता है बच्चों ने दूध पिया नहीं, ये देखे सारा ऐसे कैसे पड़ा हुआ, कैसे कितना सारा पड़ा हुआ है, गाड़ी करी चाय बनाते। तो पता है इस किचन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो हम रात को चाय बना लेते हैं, सुबह सुबह उठ के इधर चाय बना लेते हैं, तो खाना वगैरह भी दिन को जो सालन होता है वो जल्दी जल्दी पता बना लेता है, क्योंकि अब लकड़ी हमारे पास इतनी है नहीं, तो ज्यादातर हम इधर ही काम करते हैं, बस शाम को रोटी बनाते हैं बाहर। हाँ जी, तो अभी देखते हैं दूध पैर कर ले, चाय भी बना रहे हैं, काफी ज्यादा। आज मैंने कुछ चीजें ली हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। सुबह मैं क्या नहीं था आपको के वो ना, हमने आज मैंने कुछ लिए हैं, प्याले भी लिए, पांच प्याले लिए हैं, कुप बहुत प्यारे हैं, देखें दूसरा डिजाइन हमने देखा है, वो मुझे पसंद नहीं है, मैंने कहा ये ठीक है, तो ये मसला बहुत प्यार है, पहले ये वाले लिए थे, ये सारे टूट गए, एक बचा हुआ है। अब ये बंदा ऐसे किचन बनवाया ना, बनता भी नहीं है, बंदा खुद नहीं बनवा सकता इतना। हाँ, पैसे लगा कर, ठीक है, माशाल्लाह। तो ये तो हमारी एक आंटी थी, ठीक है, वो बनवा कर दिया था। हाँ जी। तो लेकिन पहले भी लोग कहते थे कि झूठ बोलते, लेकिन हमें ना एक आंटी ने बनवा कर दिया था, हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वो ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी हमारी बाजी, तो उसने हमारी ये सपोर्ट की थी, बस किचन के लिए उसने सपोर्ट की थी, किचन उसने बनवाया था मुकम्मल, तो मुकम्मल, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मैं तो कभी भी एक टूटी ना टूटी है वो भी मैंने लगवा, वो भी हम नहीं लगवा सकते, ठीक है, 2500-3000 की आती है। हाँ, वो भी हमसे नहीं लगी, तकरीबन 6 माह हो गया ऐसे, ये देखिए लकड़ी लगा कर खड़ी हुई है। इंशाल्लाह आप बनवाएंगे, कोशिश करेंगे इसको बनवाएंगे। हाँ, क्योंकि इसको खराब नहीं करना। एक एक चीज ना असल है, ये देखिए, ये जो है ना मीरान भाई, बहुत कीमती है, आप तकरीबन इसका 50,000 लगता है, जो ऊपर ये लगा हुआ पत्थर, हाँ, ये तकरीबन 1000 रुपये फुट होगा, हमारे पास जो है वो सस्ता है। हाँ, ये ना तकरीबन उस टाइम दिया था 650 रुपये फुट,
तो अब इसका ना तकरीबन रेट होगा 1000 रुपये फुट, तो उस टाइम ना 30,000 लगा था, अब 50,000 लगेगा। लेकिन किचन देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन इस पर खर्चा भी आके देखते ना सबको बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी छोटी छोटी चीजें जो है ना बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ये जो है ना एक एक ये तकरीबन 200 की लगी हुई है।